वेलकम टू माई YouTube चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा खुजली की मात्रा बढ़ गई है। आपको काफ़ी ज़्यादा आपके स्तनों में, आपके पेट पर या तो आपके प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, जिसका क्या कारण होता है, ये किस बात का संकेत देता है। दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि प्रेगनेंसी में आपके शरीर में या तो आपके स्तनों में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, जिससे कि आपके गर्भ में लड़का है इस बात की जानकारी देता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके शरीर में खुजली होती है, जिसका क्या कारण होता है और आपको खुजली से कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको खुजली क्यों होती है। दोस्तों, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, आपके शरीर में खून की मात्रा अत्यधिक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी में आपके शरीर में खून की कमी होती है, या तो प्रेगनेंसी में आप कम मात्रा में पानी पीते हैं, अच्छे से डाइट फूड का चार्ट का पालन नहीं करते हैं, जिससे कि आपके शरीर में खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपके शरीर में पानी की कमी के कारण भी आपको खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट जो कारण होता है प्रेगनेंसी में, आपका शरीर जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है, आपके बच्चे का विकास अच्छे से होता है, आपका बेबी बम्प बढ़ते जाता है, जिसके कारण भी आपको खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपका शरीर जैसे जैसे बढ़ता है, आपका शरीर ड्राई होते जाता है, जिसके कारण भी आपको खुजली की दिक्कत हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में आपके पेट पर, आपके स्तनों पर खुजली हो रही है, कम मात्रा में हो रही है, तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। ये हर गर्भवती में दिखाई देती है। लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको खुजली से कैसे बचाया जा सकता है। अगर आपकी स्तनों पर और आपके पेट पर काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है, तो अपने शरीर को आपको मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी में एलोवेरा जेल लगाना चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या तो कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम को उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको खुजली की प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों, जब भी आपको खुजली की प्रॉब्लम होती है, आपको नाखूनों के बल से बिल्कुल भी नहीं खुजलाना है, जिससे कि आपके बॉडी को इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, आपको कॉटन का साफ कपड़ा लेना है, उसके सहारे से ही आपको हल्के हल्के अपने शरीर को मसलना है, जिससे भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके खुजली से कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में लड़का है। दोस्तों, तो आपको ये बता दें कि प्रेगनेंसी में खुजली होना आम बात होती है, जो कि हार्मोन्स के कारण भी होती है और आपके शरीर में खून की कमी के कारण भी हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपके गर्भ में लड़की है या लड़का, इस बात का कोई भी दावा नहीं देता है, ना ही इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण है, ना ही इसका कोई अनुभव करके बताया जा सकता है। क्योंकि खुजली होना आम बात होती है, जो कि हर गर्भवती में दिखाई देती है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए।